तीनों की ड्यूटी रात में ही ख़त्म हुई थी और फिर से हमारी ड्यूटी 4 बजे है शाम को, अभी बज रहे हैं 9, तो हम जाएंगे लगभग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, एक घंटा लगभग, हाँ आधे से एक घंटे में हम जनकपुर पहुँच जाएंगे, जबकि जो ट्रेन का रास्ता है वो 1 घंटे का है और अगर हम बस से जाते हैं तो बस से हमारा जाने का रास्ता है 4 घंटे। गाइस ट्रेन जो है बिल्कुल स्पेशल दी हुई है, ट्रेन खुल चुकी है जयनगर से, वो अपना उससे उधर बाहर भारत का स्टेशन है जयनगर और ये जयनगर अपना नेपाल की तरफ है। तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी भी लगी हुई थी जब इसका उद्घाटन हुआ था 3 महीने पहले, लगभग मार्च में हुआ था उद्घाटन इसका, मार्च अप्रैल में। अभी बारिश पड़ रही है बाहर, बारिश के मौसम में सीधा भैया ने बुलाया, एंजॉय कर रहे हैं पूरी। आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश में भीगते हुए पूरा बैग वैग जूते वूते सब भीग चुके हैं, देख सकते हैं भाई पूरे जूते भी मतलब सॉक्स भी लगा रखे हैं इधर। नेपाल में गाड़ी एंट्री कर चुकी है, पहला स्टेशन इनरवा पड़ता है जयनगर से, पहला स्टेशन लगभग 10 मिनट की दूरी पर है, 5-6 किलोमीटर। काफ़ी बढ़िया ट्रेन बना है, ये चेन्नई से बना हुआ है ट्रेन। मैं और अरूप मजुमदार, ये भाई हमारा बंगाली है और वो पीछे बैठा हुआ है मेरठिया मानस बैठा हुआ है पीछे और मैं अलीगढ़। तो भाई हम तीनों अपना जॉब कर रहे हैं RPF में और आज मौका मिला है ड्यूटी से तो जा रहे हैं नेपाल घूमने जयनगर से। जयनगर एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहाँ से ट्रेन है, ट्रेनों की सेवा है जयनगर से, ट्रेनों की सेवा है ना, बाकी तो कहीं से नहीं है। तो इंडिया से नेपाल जाने के लिए जयनगर से एक लोती रक्सौल से पहले से थी, पहले से वो अच्छा रक्सौल से और जयनगर से दोनों जगह से ट्रेन से जाने की सुविधा है नेपाल में। वैसे जो हमारा हम जनकपुर जा रहे हैं सीधे भैया के, जनकपुर का भाड़ा 20 रुपए, नेपाली कितना है, नेपाली कितना, नेपाली 30 रुपए, इंडियन 20। ओके तो भाई टाइम कितना टाइम हो रहा है भाई, देखो 9:30 हो रहा है, हम 8:15 बजे वहाँ से चले थे और 9:30 बजे हम यहाँ आ चुके हैं, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में हम जनकपुर आ चुके हैं, जनकपुर धाम। नेटवर्क है तो ये आ चुके हैं भाई जानकी मंदिर, ये सीता मैया का धाम है, सीता मैया है, सीता माँ ने यहीं जन्म लिया था और यहीं से राम भगवान ने जो धनुष वगैरह तोड़ा था, धनुष तोड़ा था वो इधर ही जनकपुर में ही उनका स्वयंवर हुआ था जहाँ स्वयंवर हुआ था, तो यही वो जगह है। जय सीता माँ, जय सीता माँ, जानकी मैया। तो हम तीनों दर्शन कर चुके हैं, तीनों टीका लगा के आ चुके हैं अंदर से, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं हम, अभी मंदिर की परिक्रमा स्टार्ट कर दी हमने। ये मंदिर है मेन मंदिर सीता मैया का,
सकते हो भगवान का ऊपर एनिमेशन है ऊपर। तो ये चलचित्र है धनुष जहाँ तोड़ा था भगवान ने, महादेव का धनुष श्री राम ने तोड़ा था, वो स्वयंवर का चलचित्र है यहाँ पर। इसी तरह का एनिमेशन है पूरा। सीताराम जी का विवाह स्वयंवर। सीताराम विवाह का दृश्य, ये सीताराम का जो विवाह हुआ था वहाँ का ये चलचित्र है। वाकई में एक बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, एक मन को भाने वाला बहुत ही सुंदर दृश्य है, मन को भाने वाला। शांति, बहुत ज़्यादा शांति है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, नॉर्मली भीड़ रहती है यहाँ पर। तो भाई अब चलने का वक्त आ गया है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, एक घंटे का टाइम था सिर्फ। हम अभी 9:15 बजे करीब यहाँ उतरे थे, 9:30 बजे करीब मंदिर में एंट्री हमने 10 बजे किए थे, आधे घंटे में हम आ पाए थे यहाँ। तो हमें वापस जाकर अपना ट्रेन पकड़नी है फिर से, क्योंकि अगर हम बस से जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा बस से, क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास, केवल एक घंटे का टाइम था। एक घंटे के अंदर हमने आधे घंटे में दर्शन किए हैं भगवान के, सीता मैया के, और अभी हमें ट्रेन भी पकड़नी है। तो यहाँ से 15 मिनट का रास्ता स्टेशन का है और 11 बजे ट्रेन है, अभी टाइम हुआ है 10:30। तो मार्केट में घूमते हुए 15 से 20 मिनट में पैदल घूमते हुए जाएंगे हम स्टेशन तक, ताकि हम अपना मार्केट को लेकिन फिर भी अब एक घंटे के अंदर हम चल रही है वापस, ट्रेन पकड़ रहे हैं। ये जनकपुर स्टेशन है, जाके अपना बैरक में रेस्ट करेंगे। चलिए दिखाते हैं आगे की जर्नी। तो ट्रेन चल चुकी है गाइस यहाँ से, जनकपुर से, जनकपुर धाम से ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। अभी टाइम 11:10 हो रहा है सुबह का, अभी 12:15 तक इंडिया में पहुँच जाएंगे हम। बस सर्दी लग रहा है तो पर्दा है ना पीछे, जो कर्टेन है उसको ओढ़ ले, उसको सर्दी खत्म हो जाएगा। बारिश में भीग गया बेचारा और एसी में ठंड बहुत हो रही है इसको, तो भाई पर्दा ओढ़ ले, चादर तो तेरे पे है नहीं। कम्प्लीटली हम आ चुके हैं जयनगर, और ये जयनगर इंडिया वाला जयनगर आ गया है। ये उतर चुके हैं भाई जयनगर में, अपनी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये आ चुके हैं हम भारत के जयनगर पर, और ये सामने अपना नेपाल वाला है और इधर भारत का है। Oh,